नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कमलेश कुमार मौर्य, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर के विधि विभाग का विभागाध्यक्ष, आज आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पास्को एक्ट क्या है इसकी जानकारी। इससे पहले कि मैं अपना व्याख्यान प्रारंभ करूँ, कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। तो आइए जानते हैं पास्को एक्ट क्या है। पास्को एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। वास्तविक तौर पर लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों के संरक्षण का अधिनियम है। इस एक्ट के तहत ही नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है। इस एक्ट में बच्चों के साथ होने वाली लैंगिक उत्पीड़न के तहत अलग अलग सजा का प्रावधान है। पुराने कानून के अनुसार यदि किसी नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आती थी तो उसे दोषी के साथ 7 साल की सजा से लेकर उम्र कैद और अर्थदंड का प्रावधान था। हालांकि इस नए कानून के अनुसार 12 साल से कम उम्र की बच्चियों से रेप पर फांसी की सजा और 16 साल से छोटी लड़की के साथ गैंग रेप पर उम्र कैद या 20 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। तो आइए जानते हैं पास्को एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। सर्वप्रथम IPC इंडियन पेनल कोड 1860 के अनुसार सहमति से सेक्स करने की उम्र को 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। इसके मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी बच्ची के साथ सहमति या सहमति के बिना यौनकृत करता है तो उसे पास्को एक्ट के तहत सजा दी जाएगी। जबकि कोई पति या पत्नी 18 साल से कम उम्र के जीवन साथी के साथ यौनकृत करता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है और उस पर मुकदमा चलाया जाता है। सेकंड, पास्को एक्ट के तहत सभी मामलों की सुनवाई विशेष अदालत द्वारा कैमरे के सामने बच्चों के माता पिता या जिस पर वह भरोसा करता हो उनकी उपस्थिति में ही हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। तीसरा, अभियुक्त के किशोर होने पर उस पर किशोर न्यायालय अधिनियम 2000 बच्चों की देखभाल और संरक्षण में मुकदमा चलाया जाएगा। चौथा पॉइंट, पीड़ित से अर्थात विकलांग, मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार होने की स्थिति में विशेष अदालत में उसकी गवाही रिकॉर्ड करने के लिए अनुवादक या विशेष शिक्षक की सहायता ली जानी चाहिए। पांचवा है, एक्ट के अनुसार स्वयं को निर्दोष साबित करने का दायित्व अभियुक्त के पास होता है, जिसके तहत झूठा आरोप लगाने, झूठी गवाही देने और किसी की छवि को खराब करने पर सजा का प्रावधान भी होता है। छठवां पॉइंट है, यौन प्रयोजनों के लिए बच्चों के व्यापार को लेकर भी सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। सातवां पॉइंट, यह अधिनियम बाल संरक्षक की जिम्मेदारी पुलिस को सौंपता है, जिसके मुताबिक पुलिस को बच्चे की देखभाल और संरक्षण के लिए तत्काल व्यवस्था करनी चाहिए। इसके तहत बच्चे को आपातकालीन चिकित्सा उपचार प्राप्त करवाना और चिकित्सा उपचार प्राप्त करवाना, बच्चे को आश्रय गृह उपलब्ध करवाना आदि व्यवस्थाएँ शामिल हैं। आठवां पॉइंट, एक्ट के अनुसार पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वह मामले को 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति के निगरानी में लाए, जिससे बाल कल्याण समिति बच्चे की सुरक्षा और संरक्षण में जरूरी कदम उठा सके। नौवां, अधिनियम के मुताबिक माता पिता या किसी अन्य व्यक्ति या बच्चे के विश्वसनीय व्यक्ति की मौजूदगी में मेडिकल जाँच का प्रावधान भी है। जांच के लिए ऐसी व्यवस्था का प्रावधान है जो कम पीड़ादायक हो,
इसके साथ ही बच्ची की मेडिकल जांच महिला चिकित्सक द्वारा ही की जानी चाहिए। लास्ट पॉइंट है 10वां, एक्ट के मुताबिक यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि न्यायिक व्यवस्था के द्वारा फिर से किसी बच्चे के ऊपर जुल्म न किया जाए। मामले की सुनवाई स्पेशल कोर्ट द्वारा बंद कमरे में कैमरे के सामने दोस्ताना माहौल में किया जाना चाहिए। इसी के साथ बच्चे की पहचान को भी गुप्त रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। आई होप यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। धन्यवाद।